मूंगफली लगाई थी खेत में, तो उसमें अभी हमार चला रहे हैं खेत को समतल करने के लिए। तो पीछे है हमारा घर, आप देख सकते हैं। तो मैं अभी चल के जा रहा हूँ, थोड़ी सी दूर है यहाँ से खेत हमारा। और पीछे आप देख सकते हैं, इसको हम अंधार बोलते हैं। तो जो बारिश आने वाली होते हैं उसके पहले का जो सीन होता है उसको अंधार बोलते हैं, जो ब्लैक ब्लैक आकाश दिखाई देता है पूरा स्काई। और इस तरफ देख सकते हैं तो इस तरफ साफ है, तो लगता है बारिश आ जाएगी। तो जल्दी से हम खेत में हमार लगा देंगे। तो अभी पानी भी लेके जा रहा हूँ साथ में। तो ये है हमारा खेत, मूंगफली वाला सब पीछे भी है। तो कल जैसे तैसे हमने मूंगफली लगा दी थी, परसों ही लगा देते, लेकिन परसों रात में थोड़ी सी बारिश आ गई थी इसलिए कल लगानी पड़ी, और आज हमार लगा रहे हैं। और आप ये हमारी मूंगफली देख सकते हैं कैसी है, कमेंट में बताना। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं वहाँ जाके सबको दिखाता हूँ, मुझे तो बेल चलाना होगा, तो टाइम मिले तो दिखाऊँगा ज़रूर। तो पीछे बादल भी निकले हुए हैं, तो लगता है कि बारिश आ जाएगी, पर देखते हैं क्या होगा। तो अभी बैलों को चला रहे हैं इस खेत में, कल हमने मूंगफली लगाई थी। तो ये जो निकल रहा है ये बाजरी का एक्स्ट्रा जो बचा हुआ होता है वो है, तो इसके लिए दिक्कत हो रही है ये समर लगाने पे भी। इसको हम समर बोलते हैं, लोटिया बोलते हैं, माट बोलते हैं, आप भी जो बोलते होंगे। तो बारिश जैसा लग रहा है कि बारिश आएगी, देखते हैं, उसके पहले ये समर लग जाए तो अच्छी बात है। तो देखो ये सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट दिख रहे हैं वो बाजरी के हैं, तो उसकी वजह से ही दिक्कत हो रही है। मूंगफली लगाने में भी दिक्कत हुई और ये चलाने में भी दिक्कत हो रही है। तो चलिए मैं लोगों में चला रहा हूँ अभी, तो बस पूरा ही होने वाला है। मैं ये लास्ट लगाने आया था इस तरफ, जो एक बार ये हेठा है उसके बाजू में लगाते हैं वो। तो चलिए मैं चलाता हूँ। तो अभी दादा लेके जा रहे हैं बेलों को। जब भी मैं वीडियो शूटिंग करता हूँ तब मैं दादा को दे देता हूँ, क्योंकि आपको भी दिखाना होता है इसलिए मैं बेलों को नहीं चलाता, फिर दादा का दे देता हूँ, मैं वीडियो शूटिंग कर लेता हूँ। तो टाइगर अभी वो सामने दो कुत्ते आए हैं, आपको दिखते होंगे, तो उसके साथ लड़ रहा है। तो इतना चल गया है, लास्ट छेले बाकी है। इसमें कुछ नहीं लगाया, ये सब वैसे का है। उस तरफ थोड़ा सा बाकी है, तो चलिए मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए इतना सा ही बाकी है अब चलाने में, जो दादा उस तरफ गए हैं उतना ही। ये सब पार्ट चल गया है पूरा, भी ख़त्म किया है यहाँ से, एक सब उस तरफ का चल गया है। इतना सा थोड़ा सा ही बाकी है जिसमें मूंगफली लगाई है, और इसमें नहीं लगाई है क्योंकि उसमें जुवार लगानी है हमको। जब बारिश हो जाएगी तब इसमें जुवार लगाएंगे। सामने थोड़ी सी जुवार तो है जो पहले लगाई थी हमने, बाजरी जब लगाई थी उसके साथ में जुवार लगाई थी, लेकिन ये 2 बीघे जितने में जुवार लगानी है अभी, क्योंकि हमें पशुओं को खाने देने के लिए खरीदनी तो पड़ती है जुवार, इसलिए इसमें लगाने के सोच रहे हैं, तो पूरे साल पशुओं को चलेगी। तो अभी तो बेल दादा चला रहे हैं।
तो दोस्तों मैं अभी तो बैलों को लेके घर पहुंच गया हूं। जल्दी से खेत पूरा कर लिया क्योंकि थोड़ी सी बारिश भी आ गई थी। आप देख सकते हैं उस तरफ बारिश जैसा ही लग रहा है। तो ये समर है, बैल घर जाने के लिए तो उतावले होते हैं। जब हम घर ले आते हैं तब तो स्पीड में ही आते हैं, जाते वक्त स्लो स्लो जाते हैं, धीमे धीमे करके जाते हैं, और आते वक्त तो फास्ट ही चलते हैं। तो बारिश जैसे तो लग रहा है, और अब बारिश आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मूंगफली भी अच्छी होगी बारिश आई तो, आ जाए तो ठीक है। थोड़ी थोड़ी तो अभी भी गिर रही है, कुछ कुछ बूंदे। टाइगर पे आ गया है, तो हम पहुंच गए हैं घर पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी सुबह के 6 बजे हैं, तो बारिश आ रही है। तो आज तो किसान के लिए बहुत ही खुशी का दिन होगा, तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि बारिश, सीजन की पहली बारिश आ गई है। आप देख सकते हैं अभी तो थोड़ी थोड़ी गिर रही है, और थोड़ी सी ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आंगन है, तो ये हमारे आंगन में से तो पानी जा रहा है, उतनी बारिश तो हो गई है, लेकिन अब थोड़ी सी ज़्यादा हो तो जो किसान ने अभी मूंगफली नहीं लगाई, जो बारिश के बाद लगाते हैं, तो उसकी भी मूंगफली लग जाए तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ज़्यादा बारिश हो तो। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई, जितनी हुई उससे डबल हो जाती तो बहुत ही अच्छा रहता, किसान की मूंगफली भी लग जाती, लेकिन थोड़ी सी कम रह गई। तो कल फिर से हो तो अच्छा रहेगा, तो जब अच्छी बारिश आएगी तो उसका भी व्लॉग आएगा। तो अभी तो दोपहर के 1 बज गए हैं, हमने खाना खा लिया है, और अभी आप देख सकते हैं बारिश जैसा लग नहीं रहा है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। अभी तो धूप निकली हुई है, और आप सबने सुबह में देखा कि बारिश हो गई थी, थोड़ी कम हुई, थोड़ी ज़्यादा होती तो यहाँ पर सब मूंगफली बो देते जिसकी बाकी है, लेकिन हमारे गांव में तो किसी की मूंगफली बाकी नहीं है। हमारे पास के गांव में जो मटियाना कोयलाना है उसमें सब बाकी है। तो मैं तो सो रहा था, मम्मी ने सूट किया है, बारिश आई थी, मुझे पता नहीं है, सुबह में 6 बजे आई थी, 6-7 बजे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गुटली होता है आम का, जो गुटली निकलती है, तो उसका मुखवास बनाएंगे, इसमें तिल वो सब डालकर। तो यहाँ पर गुटली सूखा रखी है और इस तरफ तिल सूखा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी कोई एनिमल्स बाहर नहीं बांधे हुए हैं, और मम्मी यहाँ पर बर्तन साफ कर रहे हैं जो खाने से बाद का होते हैं। तो ये सब गीला हो गया है, इतनी बारिश आई थी, तो थोड़ी सी बारिश आई तब ये इसमें सब कीचड़ बन जाता है क्योंकि धूल होती है पूरे साल की। अगर थोड़ी ज़्यादा बारिश आई तो पानी के साथ ये सब बह जाता है, तो फिर एकदम
साफ हो जाता है। थोड़ी ज़्यादा बारिश आई हो तो अच्छा रहता। तो ये दोपहर के बाद सूखने के लिए सूख जाए तो अब हम बाहर बांधेंगे। भैंस को तो बाहर बांध सकते हैं लेकिन गायों को तो अंदर ही रखना होगा। और बैल को भी रात को अंदर बांध दिए थे यहाँ पे, क्योंकि हमें लग रहा था रात में बारिश आएगी। और अब बैल का भी काम नहीं है, वो भी आराम करेंगे क्योंकि बारिश होने के बाद ही हम बैलों को चलाएंगे। तब तक के लिए कोई काम नहीं है। तो भी पापा चला रहे हैं बैलों को। आप देखिए पापा के हाथ में कितने अच्छे चल रहे हैं बैल। पापा एक ट्राई ही लगा रहे हैं, फिर तो हम ही चलाएंगे क्योंकि अभी एक महीने तक आराम करेंगे, फिर से काम करेंगे एक महीने बाद। अब अभी देख सकते हैं मैं बैलों को चला रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो गई थी, तो अब इसमें अच्छा सा साथी चल रहा है। जो पहले प्लेट लगाई हुई थी वही प्लेट चला रहे हैं, क्योंकि अभी जो दूसरी बार मैंने स्टार्ट किया है, जो पहली बार इसमें ही चलाए थे दूसरी बार इसमें ही चला रहा हूँ, तो जब तीसरी बार चलाएंगे तो दूसरी प्लेट चलाएंगे, ये नहीं चलाएंगे जो गोल आकार की होती है, तो वो भी दिखाऊंगा। तीन प्रकार की ब्लेड होती है और चौथा जो दांती बोलते हैं हम मिंदड़ी, वो होती है। तो अभी तो बैलों को चला रहा हूँ। 4 बजे मैंने जोते थे तो अभी तो मैंने थोड़े से चलाए। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ही खेत अभी पूरा हुआ है, अभी तो पूरा बाकी है। अभी 6 बजने आए हैं तो पूरा तो नहीं होगा, आधा सा पूरा हो गया। तो चलिए मैं मूँगफली कैसी है वो दिखाता हूँ और कैसी ब्लेड चलती है इसमें वो भी दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं ये पहले की जो ब्लेड थी वही है, और पहली बार चलाई थी तो इसमें ऐसी थी पहली बार, तो फिर से ये ग्रास उग गया है बीच बीच में, देख सकते हैं आप। उसको निकालने के लिए ही चला रहे हैं हम, बीच में ज़्यादा उगा हुआ है। और ये पहली बार चलाई हुई है, ये दूसरी बार चलाई हुई, कितना डिफरेंस है। क्योंकि गीली मिट्टी है देखो आप नीचे, क्योंकि बारिश हो गई थी थोड़ी सी, तो अब अच्छा चल रहा है। और मूँगफली भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो एक बार इसमें चल जाए फिर बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो इसलिए मैं फिर से चला रहा हूँ। तो उतना ज़्यादा बाकी है तो अभी तो आधा ही पूरा करेंगे फिर घर चले जाएंगे, अभी इतना सही पूरा हुआ है। ये 8 बीघे का खेत है, 2 बीघा चल गया है आई थिंक। तो बैलों को ये भारी नहीं लगता, ये जो बेला बोलते हैं वो भारी नहीं लगता, जो हमारे है वामणी है वो सब भारी लगते हैं, इसलिए इसमें बैल थकते नहीं हैं। वो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बैल नहीं थकेंगे इसमें, आराम से चलेंगे। तो लोग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर। तो दोस्तों मैंने अभी बैल को छोड़ दिया है, थोड़ा सा खेत बाकी है तो अभी ये हरा चारा भी डाल दिया है और वो खा रहे हैं दोनों। अभी तो आज तो बारिश नहीं लग रही इसलिए बाहर बांधे हैं। और चाचा अभी गए थे ट्रैक्टर लेके गांव में, जो ये सख्त मिट्टी होती है वो भरने के लिए गए थे। तो आप देख सकते हैं ये मिट्टी यहाँ पर डाली है, ये पत्थर है उसको निकालना पड़ेगा, इसको हम बाथवेकरा बोलते हैं। तो ये पशुओं ने जो गड्ढे किए हैं उसमें डालेंगे, क्योंकि मॉनसून आया है तो गड्ढे में पानी जमा होगा इसलिए डालेंगे, उसका भी लोग आएगा। और मम्मी यहाँ पर सभी एनिमल्स को चारा डाल रहे हैं अभी। तो ये आपको पता है वहाँ बाहर से यहाँ स्टोर किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चारा है। अभी तो एक रूम में भी अंदर स्टोर है, तो इस साल तो चारा बहुत ज़्यादा हो गया है। पिछले साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो चारे की कमी हो गई थी सभी को, लेकिन इस बार कोई कमी नहीं होगी।
बछड़े को भी खाना है, वो कह रहा है कि मुझे भी दो। वेटिंग में है अभी वो भी। तो ये कितने परसेंट गिर है कमेंट में बताना। बछड़ा है ये जो उसकी माँ वहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं कैसा लगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में कल। तो अब मेरा काम स्टार्ट हो गया बेल चलाने का। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।